यहाँ रहमत होती हैं। मैं यहाँ लोगों को एक वाकया बताता हूँ। मेरे पास आई अक्सा, रिहाड़ी से आई हैं आप, और आपके हस्बैंड का क्या नाम है? जाहिद इकराम। इनकी तीन बेटियाँ हैं, और ये जो आप छोटी वाली देख रहे हैं ना, ये तीनों मेरी वीडियोस देखती हैं। कब से देख रही हो वीडियोस? टू ईयर्स से वीडियोस देख रही थी। अब स्पेशली ये जो छोटी थी, ये इतनी मानूस थी वीडियोस देख देख के, कि ये कमरे में जब आई है ना, तो इसने मुझे ऐसे ही पहचान के गोद में आके बैठी है, जैसे बड़े अरसे से कोई किसी को बहुत ज़्यादा पहचानता हो। मतलब इस लेवल का मानूस हो जाए चेहरे से कि वो फ़ौरन आके गोद में बैठ गई। तो मैं यहाँ एक वाक्या सुनाता हूँ, ये मैंने कॉलम्स में भी लिखा है बड़ी दफ़ा ना। तो मेरी जब बेगम हामला थी, तो मेरे ना मुझे ट्रेनिंग नहीं मिल रही थी गैस्ट्रो की, तो बड़ा अजाब आया हुआ था, ट्रेनिंग पे तंगियां हो रही थी। मुझे बड़ी मुश्किल से वो ट्रेनिंग मिली बेटी के होते ही। उसके बाद मेरी बेगम की सरकारी जॉब लग गई, ठीक है। उस सरकारी जॉब लग गई, वो लकीली पिंडी आ गई, तो वो फाइनेंसिस जो हमें शादी के बाद माँ बाप की तरफ से तो कोई इशू नहीं था, लेकिन अपनी स्टेबिलिटी का तो इशू था ना। तो मुझे इतनी स्टेबिलिटी मिली उसकी वजह से, और उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है ना पैसे आना शुरू हुए और हम स्टेबल हो गए। तो जो बेटियाँ होती हैं ना हमारे माशरे में, ये बड़ा मिथ पाया जाता है बेटियों को लेके, तो लोग वो नहीं करते और माशरा भी नहीं जीने देता कि जनाब ये बेटियाँ हैं और ये सारा कुछ है, और तंग करता है। लेकिन मुझे इस कदर उसके बेटी के बाद मेरा ऐसा नसीब चेंज हुआ, अभी आप मेरी जितनी भी तरक्की देखते हैं, लोग जो देख रहे हैं सारा कुछ है, उसका प्योर क्रेडिट ये जाता है कि मैंने ज़िंदगी में लोगों को हमेशा एक बात समझाई है कि आप कितनी दफ़ा अपने दादे की कब्र पे या परदादे की जाते हैं, ये जब आप गए तो गए। लोग बेटे की बेस पर बहुत कुछ करते हैं माशरे में, लेकिन जो बेटियां होती हैं ना, ये पुत्र जाया भी नहीं, मैं कोट करता, ये पुत्रों से भी बढ़ के होती हैं, ठीक है। मैंने अपने हस्पतालों में बहुत कम मरते हुए माँ बाप के पास बेटों को खिदमत करते हैं, बेटे भी खिदमत, लेकिन जिस लेवल की बेटियां खिदमत करती हैं मैंने नहीं देखा कि बेटियां जिस लेवल की खिदमत करती हैं कोई और कर रहा हो। तो इसलिए मैंने जब वो कॉलम लिखा था, तो उसका टाइटल जो था, मैं वो एंड में मैं वही निकाल रहा था पढ़ने के लिए, कि तकदीर इलाही के नविश्ते भी वही हैं, अल्लाह भी वही हैं और फरिश्ते भी वही हैं। उतर सकते हैं तेरी मदद को मलाइक अब भी, अगर ज़ाते इलाही से तेरे रिश्ते भी वही हैं। तो मैं जो बेटियां होती हैं, मैं उनको मलाइक का दर्जा देता हूं कि ये आपकी लाइफ में वो मलाइक हैं, अगर ये उतर जाएं आपकी ज़िंदगी में, दे कैन टर्न योर लाइफ टू बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। शायद बहुत सारी बलाएं टल जाती हैं, मुसीबतें टल जाती हैं, पैसा वहाँ से आने लग जाता है जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। और जो इमेंस कामयाबी मुझे हर गुजरते दिन के साथ मिली, वो बेटी आने के बाद मिली। मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैं कॉलम्स लिख रहा था, वीडियोस कर रहा था, मेडिकल में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन जो बेटी आने के बाद मुझे रिकॉग्निशन मिली, वो जो है पहले नहीं मिली। तो बेटियां जो होती हैं ना, वो रहमत होती हैं। क्या होती हैं? रहमत होती हैं। बेटियां जो होती हैं वो क्या होती हैं? रहमत होती हैं। क्या होती हैं? रहमत होती हैं। इसलिए जो बेटियों से बढ़ के ना कुछ भी नहीं होता। तो जिनको अल्लाह ने रहमत दी हुई है, ये मलाइक है, और कंसिडर इट एज आई से तकदीर बदल देती हैं। डॉक्टर अफान के सर, साइनिंग ऑफ।